एप्पल कंपनी के को फाउंडर्स कौन है? स्टीव वॉजनियक और स्टीव जॉब्स, जो कि सीईओ भी रह चुके हैं। और स्टीव जॉब्स को तो हम सब जानते ही हैं। बहुत कम लोगों को ये पता है कि रोनाल्ड वेन भी तीसरे फाउंडर हैं, जिन्होंने एप्पल का फर्स्ट लोगो भी डिजाइन किया था। जब स्टीव जॉब्स की एज 21 और स्टीव वॉजनियक की एज 25 के आसपास थी, तब इनको एक ऐसे इंसान की जरूरत थी कंपनी को बड़ी करने में, जिसको बिजनेस की समझ हो, और वो इंसान था रोनाल्ड वेन। वेन ने ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि चलो करते हैं जॉब्स और वॉजनियक के साथ में बिजनेस, और वेन ने एप्पल कंपनी का 10% हिस्सा लिया। बाद में वेन को लगा शायद एप्पल कंपनी कुछ खास नहीं करेगी, जॉब्स और वॉजनियक के पास में तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, बट वेन के पास में घर है, गाड़ी है, एसेट्स है। वेन को डर लग रहा था कि अगर एप्पल नुकसान में गई तो मेरी एसेट का काफी लॉस हो सकता है। और 12 ही दिन बाद वेन ने कंपनी से निकलने के लिए अपने एप्पल में 10% जो स्टेक थे वो $800 में बेच दिए, यानी कि इंडियन रुपीस में कहो तो 60,000 रुपीस, जिसकी आज वैल्यू कितनी है वो सुनो। 60,000 रुपीस में बेचे गए 10% शेयर्स की वैल्यू आज 22,00,000 करोड़ रुपए है, यानी $300 बिलियन। आज एप्पल की मार्केट कैप है 3 ट्रिलियन, यानी कि 3,000 बिलियन, जिसका 10% हिस्सा होता है 300 बिलियन, यानी कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते अगर वेन ने 10% हिस्सा बेचा नहीं होता। इतना ही नहीं, काफी सालों बाद वेन ने एप्पल के साथ जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था उसको अपने पास ही रखा, जिसको इन्होंने $500 में बेच दिया। ये बात है 1990s के आसपास की। एक पेपर है जिसको बेच दिया $500 में, यानी कि 37,000 रुपीज में। एक पेपर के लिए जो अभी काम का नहीं लग रहा है उसको 37,000 रुपीज में बेचे तो काफी सही लग रहा है। पर वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर 2011 में फिर से बिका $1 मिलियन में, यानी कि 7.4 करोड़ रुपीज में। इसे बोलते हैं वेल्थ क्रिएट करना, जो आज नहीं लेकिन आने वाले टाइम में आपको कंपाउंड होके मिलेगा। नावल का ट्वीट है, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस, वेल्थ इज हैविंग एसेट्स दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ, स्टेटस इज योर प्लेस इन द सोशल हायरार्की। यानी कि वेल्थ के पीछे भागो, ना कि पैसों के पीछे या फिर स्टेटस के पीछे। वेल्थ का मतलब होता है उस एसेट्स का होना आपके पास में, जो आपको तब भी कमा कर दे रही है जब आप सो रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस में नहीं हो, आपको एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, आपको वक्त देने की जरूरत नहीं है। पैसों का काम होता है टाइम और वेल्थ को ट्रांसफर करने का, ऐसा नावल कहता है। पैसा सोशल क्रेडिट की तरह वर्क करता है, यानी अगर आपके पास में 1,00,000 रुपए है तो आपके पास में 1,00,000 रुपए है, आपके पास में वेल्थ नहीं है, आप 1,00,000 रुपए की परचेजिंग कर सकते हो, या आपके खर्चने की लिमिट है, इतना आप खर्च कर सकते हो, किसी का टाइम खरीद सकते हो, कोई चीज खरीद सकते हो, आराम खरीद सकते हो। जो क्रेडिट लिमिट आपकी खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे ये पैसा आपका चला जाएगा, कम हो जाएगा। पर अगर 1,00,000 में से आपने कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर लिया वेल्थ बनाने के लिए, जैसे आपने बड़ी कंपनीज रिलायंस, टाटा के स्टॉक ले लिए, या फिर आपने कोई ऐसी एसेट खरीद ली जो आपको कमा कर देती है जिंदगी भर, बिना आपके वहां पर काम करे, बिना आपके वक्त के, बिना आपकी एनर्जी के, तो वो आपकी वेल्थ हुई जो आपको कमा कर दे रही है जब आप सो रहे हो तब भी। मैं इसको रिलेट करवाता हूँ एडिशन और टेस्ला की कहानी से, जो हमने पिछली वीडियो में सुनी थी। निकोला टेस्ला ने काफी खोजें की, काफी इन्वेंशंस करी, काफी मेहनत करी, पर इन्होंने केवल वन टाइम पेमेंट ही कमाया। जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट में बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो था, एक महत्वपूर्ण हिस्सा निकोला टेस्ला ने डिजाइन करा था, जिससे आगे चलकर थॉमस एडिसन ने जिंदगी भर कमाई की, वेल्थ बनाई। बल्कि निकोला टेस्ला को एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया गया जो था $50,000, दैट्स इट, वन टाइम पेमेंट, और इसी चीज की रॉयल्टी एडिसन को जिंदगी भर मिली। तो यहाँ पर निकोला टेस्ला ने जो $50,000 कमाए थे वो है मनी, पैसा। इसको आप वेल्थ नहीं बोल सकते हो, पर जिसके बाद में एडिशन ने बहुत दबा के कमाया, बार बार कमाया, उससे लाइफ टाइम रॉयल्टी अर्न करी, चाहे वो सो रहे हैं, चाहे वो काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गई उनकी वेल्थ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मनी एंड वेल्थ। अमीर बनना भी एक स्किल है, अगर आप समझदारी से चलो तो छोटे से छोटे अमाउंट को कंपाउंड करके आप अमीर बन सकते हो। और जिसके पास में ये स्किल नहीं है, वो भले आज लाखों में कमा रहा है, लेकिन अगर वो कमाई किसी तरीके से रुक गई तो वो बंदा नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसने वेल्थ पर काम नहीं करा। नावल यहाँ पे कहते हैं, अगर मेरे सारे पैसे चले जाए और अगर आप मुझे किसी इंग्लिश कंट्री में रोड पर छोड़ दो, तो भी मैं 5 से 10 साल बाद फिर से दौलतमंद बन जाऊंगा, क्योंकि ये स्किल सेट है और ये कोई भी डेवलप कर सकता है अपने अंदर। नावल रविकांत ने अमीर होने को एक स्किल बोला है। ये था वेल्थ वाला पार्ट। होप नावल के वेल्थ पर ट्वीट्स एक्सप्लेन हो चुके हैं। अब बिना किस्मत के अमीर कैसे बने, उस पार्ट पर एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बुक्स रिकमेंड करना चाहता हूँ जो इसी टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, थिंक एंड ग्रो रिच, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच,
Why We Want You To Be Rich, I Will Teach You To Be Rich, ये किताबें आप पढ़ सकते हो। इन बुक्स का ज्ञान अगर आपको ऑडियो के फॉर्मेट में लेना है तो आप मेरी फेवरेट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो जो कि है कुकू FM। यहाँ आप काफी फेमस बुक्स की ऑडियो बुक्स और समरी सुन सकते हो। ये ऐप आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कई लोग पढ़ नहीं पाते हैं, तो आप ऑडियो को सुनकर भी ज्ञान ले सकते हो। अब जमाना बदल चुका है, आप वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट ऑथर्स की काफी बुक्स आसान से आसान भाषा में सुन सकते हो कुकू FM पे। कुकू FM पर अभी 50% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप कूपन कोड एंटर करते हो FAB50, तो आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा और केवल 199 रुपीज में, जो कि केवल एक किताब की प्राइस है। इससे आप हजारों घंटों का कंटेंट एक्सेस कर सकते हो ऑडियो के फॉर्मेट में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नावल का अगला ट्वीट है, यू विल गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट येट नो हाउ टू गेट एट स्केल। आप अमीर बन सकते हो जब आप सोसाइटी को वो देते हो जो वो खुद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोई सर्विस हो सकती है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है जो उनकी लाइफ आसान करता हो, प्लस इसके लिए आपके पास में स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। अब स्पेसिफिक नॉलेज किसको कहते हैं वो सुनो, जो आपको कोई सिखा नहीं सकता, जो चीज़ किसी को ऐसे ही सिखा नहीं सकते। अगर ये सोसाइटी आपको सिखा सकती है वो स्पेसिफिक चीज़, तो ये सोसाइटी किसी और को भी सिखा सकती है और आपको रिप्लेस कर सकती है, हटा सकती है। तो आपका स्पेसिफिक ज्ञान ऐसा होना चाहिए कि आपकी गरज हो वो आपके ही पास होना चाहिए। तो सोसाइटी को जो चाहिए वो आप तभी दे सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर सकते हो जो वो खुद से नहीं कर सकते, जिससे आप पैसा भी कमा सकते हो, जब आपके पास में एक स्पेसिफिक नॉलेज है। अगेन नावल कहते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज इज नॉलेज दैट यू कैन नॉट बी ट्रेन्ड फॉर। इफ सोसाइटी कैन ट्रेन यू, इट कैन ट्रेन समवन एल्स एंड रिप्लेस यू। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। नावल कहते हैं, लर्न टू सेल, लर्न टू बिल्ड, इफ यू कैन डू बोथ यू विल बी अनस्टॉपेबल। अगर इस सोसाइटी को जो चाहिए वो आपको बनाना आ गया और इस सोसाइटी को आपको बेचना भी आ गया, तो आप भारी आदमी हो। लर्न टू सेल यानी कि बेचना सीखो, लर्न टू बिल्ड यानी कि बनाना सीखो। इफ यू कैन डू बोथ, अगर आप दोनों चीजें कर सकते हो तो आप अनस्टॉपेबल हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये तो स्पेसिफिक नॉलेज की बात की गई है जिससे आप अमीर बन सकते हो, दौलतमंद बन सकते हो, जो समाज ऐसे ही किसी को नहीं सिखा सकता है, जो केवल आपके ही अंदर है। ये आता कहाँ से? जिस स्पेसिफिक नॉलेज के ही माध्यम से आप बेच सकते हो, आप बना सकते हो, वो आता कहाँ से? नावल कहते हैं कि अपनी ही अंदर की जेन्युइन क्यूरियोसिटी से आता है, यानी कि वाकई में दिल से आप जिज्ञासु हो उस चीज को सीखने में, आपको अर्ज हो रही है, चुल मच रही है, मेरे को ये जानना है, सीखना है। इसलिए नहीं क्योंकि ये हॉट टॉपिक है, इसलिए नहीं क्योंकि ये सब सीख रहे हैं, बल्कि सच में आपको ये सीखना है, भले उसमें स्कोप हो या ना हो, लेकिन आपको ये जानना है तो जानना है। स्पेसिफिक नॉलेज इज फाउंड बाय परस्यूइंग योर जेन्युइन क्यूरियोसिटी एंड पैशन रादर देन व्हाटएवर इज हॉट राइट नाउ। अब अगली बात होती है, जिस ज्ञान से, जिस कला से आप बहुत कमाना चाहते हो, अमीर बनना चाहते हो, वेल्दी बनना चाहते हो, वो ऐसा होना चाहिए जो हाईली टेक्निकल या फिर हाईली क्रिएटिव हो, ना कि ऐसा जो पैसा देकर कहीं से भी करवा सकते हो। आउटसोर्स नहीं होना चाहिए, प्लस ऑटोमेट नहीं होना चाहिए, जैसे कि सॉफ्टवेयर AI मशीन से करवा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। नावल साहब कहते हैं कि स्पेसिफिक नॉलेज इज ऑफन हाईली टेक्निकल और क्रिएटिव, इट कैनॉट बी आउटसोर्स्ड और ऑटोमेटेड। यहाँ इसी बात को मैं 48 लॉज ऑफ पावर बुक का एक लॉ अप्लाई करके समझाता हूँ, जो कि है कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू, जो कि हमने पिछली वीडियो में जाना था। इस लॉ के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, यानी अगर आपकी जरूरत खत्म हुई, ये समाज आपको रिप्लेस कर देगी, आपकी वजह से काम चलना चाहिए, आपकी जरूरत खत्म तो आप खत्म, लोग आपको हटा लेगी अगर आपकी जरूरत नहीं है। जब आपकी जरूरत होगी तो आप मार्केट में टिके हुए रहोगे, आप कमाओगे, आप अमीर बनोगे। बॉलीवुड का एग्जांपल लेते हैं, गोविंदा अपने टाइम के सबसे एरोगेंट और सेट पर लेट पहुंचकर प्रोड्यूसर्स को कुत्तों की तरह ट्रीट करने वाले सुपरस्टार थे। आज कोई नहीं पूछता है, क्यों? क्योंकि ऑडियंस बोर हो चुकी है, जरूरत खत्म। आपसे जब तक फायदा है तब तक आपकी जी हुजूरी की जाएगी, जिस दिन आपसे फायदा बंद हो गया आपकी जी हुजूरी बंद हो जाएगी। मार्केट में डिमांड क्रिएट करो, वो आपका कौन सा स्पेसिफिक नॉलेज है जो सिर्फ आपके पास में है, जो इजीली किसी को ऐसे ही नहीं सिखा सकते हैं। अगर आपकी जरूरत है तो आपके बुरे बिहेवियर को भी एक्सेप्ट करेंगे लोग, आपको चाह कर भी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिनका बिहेवियर बहुत एरोगेंट है, इतने बॉसी बिहेवियर और घमंडी, जिससे डायरेक्टर्स परेशान हो गए भले, जिससे प्रोड्यूसर्स परेशान हो गए भले, लेकिन जरूरत है तो काम करना पड़ता है। ऐसे बहुत एक्टर्स हैं लेकिन सक्सेसफुल है, जनता पसंद करती है, उनको डिमांड है, जरूरत है। इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक नॉलेज, कोई और नहीं कर सकता है,
ऐसी एक्टिंग रिप्लेस नहीं कर सकते हो, गरज करनी पड़ती है। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स लाइन लगा कर खड़े रहते हैं, क्यों? क्योंकि ऑडियंस उनकी फिल्म्स देखना चाहती है, भले ही इंडस्ट्री का कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर उनका बिहेवियर पसंद नहीं करता है, बट स्टिल वो उनके साथ में काम करना चाहते हैं और करते हैं, क्योंकि उसी सुपरस्टार में वो क्वालिटी है जो कमा कर देगी प्रोड्यूसर को। आपको लोगों को, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको दौलतमंद बनना है, तो आपको लोगों को अपने स्पेसिफिक नॉलेज पर डिपेंड करना आना होगा। एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे मिस मार्क ने राजा को पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड कर दिया, अपनी जरूरत क्रिएट कर दी। जब 1847 में मिस मार्क प्रशियन पार्लियामेंट में डिप्टी बने, तो उनके साथ में कोई नहीं था, ना उनका कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, कोई नहीं जानता था पार्लियामेंट में। अब बिस्मार्क को एक राजा की साइड ज्वाइन करनी थी। पता है बिस्मार्क ने किस किंग की साइड ज्वाइन की? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, जो कि बिल्कुल स्ट्रांग नहीं था। ये बहुत ही अजीब चॉइस थी, क्योंकि ये राजा को इतना स्ट्रांग आदमी नहीं था। वह कभी लिबरल्स की हाँ में हाँ मिला था, तो कभी कंजर्वेटिव्स के साथ में खड़ा हो जाता। उसकी खुद की कोई सोच नहीं थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिस्मार्क खुद इस राजा को पसंद नहीं करता था जिसके साइड ज्वाइन की है, ना ही पॉलिटिकली और ना ही पर्सनली। फिर भी कैसी ही सिचुएशन हो, बिस्मार्क उस वीक राजा की रक्षा करता। आप सोच रहे होंगे कि बिस्मार्क ने ऐसे राजा की रक्षा करने का डिसीजन लिया ही क्यों। फाइनली जब बिस्मार्क को 1851 में किंग ने उसे अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर बना लिया, किंग की कैबिनेट मतलब किंग के क्लोज सलाहकार, अब बिस्मार्क खुद काफी पावरफुल पोजिशन में आ चुका था। उसने मिलिट्री की कंडीशन इंप्रूव करा दी, वो ग्रुप्स जो राजा के खिलाफ बगावत करते वो दबा दिए, दुश्मनों को उनकी अपनी औकात दिखा दी, अच्छे से अच्छे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए किंग के बिहाफ पर, और धीरे धीरे करके प्रशियन किंगडम में एक बार फिर से किंग की पोजीशन स्ट्रांग हो गई। लेकिन ये सब का क्रेडिट सिर्फ बिस्मार्क को जाता था, किंग की खुद की कोई पर्सनल इंप्रूवमेंट नहीं थी। जो भी किया धरा था वो सब कुछ बिस्मार्क का किया धरा था। इसको बोलते हैं अपने स्पेसिफिक नॉलेज पर लोगों को इतना डिपेंड कर दो कि वो आपको रिप्लेस ना कर पाए। अब बिस्मार्क को हटाना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनकी ही वजह से चीजें चल रही थी। 1861 में राजा की डेथ हो गई, और जिस राजा की डेथ हुई उसके ही भाई विलियम राजा बने। विलियम बिस्मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, बट इस नए किंग की भी यही मजबूरी थी जो पहले वाले की थी। एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा नहीं था राजा का, इसलिए गरज करनी पड़ती थी बिस्मार्क की, जिसको कैबिनेट में ना चाहते हुए भी रखना पड़ा क्योंकि जरूरत थी। और बिस्मार्क जितना कैपेबल दूसरा कोई मिनिस्टर नहीं मिला, उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते थे। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक नॉलेज। कई सारे डिसीजंस पर दोनों में बहुत आर्ग्यूमेंट होता, लेकिन जब बिस्मार्क बोलता कि मैं रिजाइन कर लूंगा, धमकी देता कि मैं चला जाऊंगा, मैं काम नहीं करूंगा, तो बात माननी पड़ती थी राजा को। और इस तरह विलियम के राज में भी बिस्मार्क ने अपनी जगह सिक्योर कर दी, और धीरे धीरे प्रशिया को एक एक करके पूरी कंट्री बना दी जर्मनी, जो छोटे छोटे किंगडम्स में बिखरा हुआ था। और ये सब पॉसिबल हुआ बिस्मार्क की वजह से। बिना किस्मत के अमीर बनने के ऊपर नावल का जो थ्रेड है ट्विटर पे, हाउ टू गेट Without getting lucky, इससे मैंने कुछ ही ट्वीट्स सिलेक्ट करे हैं। शुरुआत में ही मैंने वेल्थ को एक्सप्लेन करा है कि कैसे आपका फोकस जो है वो मनी पर नहीं, वेल्थ पर होना चाहिए अगर आपको अमीर बनना है। उसके बाद में हमने बात करी कि कैसे सोसाइटी को स्पेसिफिक नॉलेज देकर कि आप पैसा कमा सकते हो, और वो स्पेसिफिक नॉलेज क्या होता है वो समझा, कैसे लेते हैं वो समझा रियल स्टोरीज से। और अगर आपको इंटरनेट की सारी वीडियोस में से ये थोड़ी सी अलग और अच्छी लगी है, क्वालिटी कॉन्टेंट लगा है, तो इस क्वालिटी कॉन्टेंट को आपको शेयर जरूर करना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी कॉन्टेंट शेयर करने वाले की भी वैल्यू बढ़ती है। शेयर करो, प्लस थैंक्स कहने के लिए आप लाइक बटन पे क्लिक कर सकते हो। 0.5 सेकंड लगेगा आपको, लेकिन आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही वीडियोस बनाने का। प्लस आपके लाइक करने से ऑफ कोर्स इस वीडियो की एंगेजमेंट बढ़ेगी, तो लोगों तक ये वीडियो और पहुंचेगी, लोगों को क्वालिटी कंटेंट देखने को मिलेगा। मुझे आप ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं हम अगली किसी वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूं।